क्या कभी आपने सोचा है कि बिना सरगम के सीखे हम हारमोनी बजाने सीख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप हारमोनियम बजाने सीखना चाहते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको सरगम आना चाहिए। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये बात कोई नहीं बताएगा, और यही सबसे बड़ा फंडा है हारमोनियम सीखने का। ना केवल हारमोनियम बल्कि और भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे फ्लूट हो, चाहे गिटार हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस पे आप गाना प्ले करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा फंडा यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लीजिए, मैंने आपकी सेवा में आज से फिर ये हारमोनियम की शिक्षा। सबसे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हुए थे, लेकिन बीच में ये क्रम बंद हो गया था, और आज से मैं फिर से इस बात को शुरू करने जा रहा हूँ कि जो भी मैं जानता हूँ, जिस तरह से भी जानता हूँ, वो आप तक पहुँचाऊँ। बस आपका प्यार मुझे चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही बारीकियों के साथ मैं आपको बताऊँगा कि हारमोनियम प्ले कैसे करना है। तो लीजिए शुरू करते हैं। सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जो भी संगीत प्रेमी हैं, वो ये चाहते हैं कि मुझे हारमोनी बजाना आए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई मैं गाना प्ले कर सकूं। बहुत से लोग हैं जो गाते तो हैं, उन्हें गाने का बड़ा शौक होता है, बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, किंतु जब इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात आती है तो वो उसमें असमर्थता अपने जाहिर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी सूत्र, फार्मूला जो है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको यदि हारमोनियम बजाना सीखना है, सबसे पहले आपको उसके केवल स्वरों को प्ले करना है। ये जो स्वर हैं, ये हारमोनियम के स्वर हैं। ये सफेद पट्टियां और ये काली पट्टियां। हम जब इन स्वरों को प्ले करते हैं तो इसमें सरगम का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, सरगम का रोल आगे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि हम जिस भी पट्टी पे उंगली रखते हैं और उसको प्ले करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वर निकलता है। अब उस स्वर का तारत्व क्या है? तारत्व का मतलब यह है कि वो कितना पतला है या कितना मोटा होता है। हम जैसे ही दाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं तो स्वर क्रमशः पतले होते जाते हैं, उनका कहना चाहिए तारत्व बढ़ता जाता है। ये आप देखते होंगे कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्वर ये पतले होते जाते हैं, इनकी आवाज पतली होती जाती है, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड नीचे की ओर बढ़ते हैं तो स्वरों की आवाज मोटी होती जाती है। एक बात को आप समझ लें, जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं तो उसमें गाने के शब्द प्ले नहीं होते हैं। जो भी हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वो शब्द प्ले नहीं होते हैं। उनकी लय, किस लय पे किस शब्द को बोला गया है, वो लय ही केवल इंस्ट्रूमेंट में हम निकाल सकते हैं, और हमको लय ही निकालना है। हमें शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, केवल उनकी लय पे ध्यान देना होता है। तो जब हम इन स्वरों को बार बार प्ले करते हैं तो इनका जो तारत्व है, ये कितना मोटा बोलता है, कितना पतला बोलता है, ये हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में इसका तारत्व फिट हो जाता है। परोक्ष रूप से हमारे दिमाग को ये ज्ञान हो जाता है कि हम किस स्वर पे उंगली रखेंगे तो किस प्रकार की आवाज निकलेगी। और जब ये ज्ञान आपको हो जाता है, और फिर जब आप कोई गाना निकालते हैं तो गाने की लय में स्वर मोटे और पतले होते हैं। लय के हिसाब से कहीं स्वर मोटा होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। तो आपका दिमाग उस स्वर से संगति बिठा लेता है कि आप लय में किस स्वर पर बोल रहे हैं, और ये आपके अंतर्मन को इस चीज का ज्ञान हो जाता है
कि हम इस स्वर पर उंगली रखेंगे तो इस प्रकार की आवाज निकलेगी। ये सबसे बड़ा सूत्र है। इसके लिए आपको इन स्वरों को बार बार प्ले करना है, जैसे स्वरों के साथ मिलाने की। प्रारंभ में कोशिश, अगर आवाज ना भी मिला सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु आपको इन स्वरों को प्ले करना है। हारमोनियम के जो स्वर हैं उनको आपको प्ले करना है। प्ले करेंगे तो उनका तारत्व, उनकी आवाज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, फिर आपको गाना निकालना बहुत ही सहज हो जाएगा। यहां तक कि मैंने देखा कि बहुत से लोग जो क्लासिकल जो सीखे हुए होते हैं, किंतु वो हर गीत को हारमोनियम पे प्ले करने में सक्षम नहीं हो पाते। जिन गीतों के नोटेशन उनके लिए लिखे जाते हैं या वो किसी पुस्तक में पढ़ते हैं, उन स्वरों को देख कर ही वो उस गाने को प्ले कर पाते हैं। लेकिन वो ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ ही प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम होने का मात्र कारण ये होता है कि ये जो स्वर हैं स्वरों की पकड़ उनके दिमाग में नहीं होती है। अगर आपने स्वरों की पकड़ अपने दिमाग में बिठा ली तो आप कोई भी गाना, किसी भी तरह का गाना अपने आप प्ले कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको सरगम की जरूरत है, ना अलंकार की जरूरत है, ना ही किसी राग की जरूरत है। वो स्वर अपने आप आपकी उंगलियों को उस स्वर के ऊपर पहुंचा देंगे जो उस स्वर से तालमेल खाता होगा। जैसे रघुपति 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 राघव राजा, ये जहाँ पे हमारी आवाज जो पहुंच रही है, राजा जा राम राम पति तपावन से राम सबसे बड़ा फंडा बताया कि हम किसी भी हारमोनियम या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर किसी गाने को प्ले कैसे कर सकते हैं। अगर आपका प्यार हमारे वीडियो को मिला तो निश्चित ही मैं आपके लिए और भी वीडियो इस तरह से बनाऊंगा। ये सबसे पहला वीडियो है और ये सबसे आवश्यक जानकारी है जो हर संगीत प्रेमी को होना ही चाहिए जानकारी, क्योंकि यही गीत निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला है। या दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि सबसे बड़ा फार्मूला कुछ भी नहीं है, बस हमें स्वरों का ज्ञान अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए। और इसके लिए आप बार बार हारमोनियम के स्वरों को प्ले करें, उनके ऊपर उंगली चलाएं, और इसके बाद किस तरह से चलाना चाहिए ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि आप हारमोनियम के स्वरों को बार बार अलग अलग स्वरों को बजाएं और उनसे जो स्वर निकलता है उसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।